एवरीवन, दिस इज जगतप्रीत सिंह एंड यू आर वाचिंग शर्मा क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम फिर से इकोनॉमिक्स की मल्टीपल टॉपिक्स को कवर करेंगे, चाहे क्लास 11th में हो, चाहे क्लास 12th में हो आप, चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, चाहे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। मल्टीपल टॉपिक्स हमारे डेली लाइफ में हम कई सारी ऐसी चीजें देखते हैं जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और जो इकोनॉमिक्स का पार्ट है हमारी डेली लाइफ में होती है, लेकिन वो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो आज हमारे पास कुछ टॉपिक है जिसमें हमारे पास पहला टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। हमने पीछे बहुत सारे टॉपिक देख लिए हैं, आज हम इस टॉपिक में हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, डिमांड को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। इसी टॉपिक का दूसरा नाम है डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, ठीक है। और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में भी हम यही देखते हैं कि डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, डिमांड किन किन फैक्टर्स की वजह से बदलती है, ठीक है। तो पहला फैक्टर जो हमारा है वो है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, कमोडिटी के प्राइस से। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि अगर किसी कमोडिटी का, किसी आइटम का प्राइस जो आपको लेना है, अगर उसका प्राइस कम है तो आप ऑब्वियसली बात है उस चीज़ को ज़्यादा डिमांड करोगे। अगर उस चीज़ का प्राइस ज़्यादा है तो उसकी डिमांड कम होगी, ठीक है। मार्केट में ऐसे होता है, जिस चीज़ की प्राइस थोड़ा सा हायर होता है उसकी डिमांड लोग कम करते हैं, और जो चीज़ सस्ती होती है उसकी डिमांड लोग ज़्यादा करते हैं। तो इसमें यही आपको लिखना है, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी में आप क्या लिखेंगे कि किसी चीज़ की डिमांड कैसे अफेक्ट होती है, ज़्यादा कब होगी जब उसका प्राइस कम होगा, और डिमांड कम कब होगी जब उसका प्राइस ज़्यादा होगा, ठीक है। सेकेंड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर सीधे अफेक्ट करती है डिमांड को, कैसे कर सकती है। अगर किसी कंज्यूमर की, कंज्यूमर मतलब आप लोग, हम ठीक है, सब कंज्यूमर है जो चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, मान लेते हैं कि अगर कंज्यूमर की इनकम कम है, ठीक है, तो कम इनकम में वो कम चीज़ों को खरीदेगा, ज़्यादा चीज़ों को नहीं खरीदेगा। इसका मतलब अगर आपकी इनकम कम है तो आप डिमांड भी कम करोगे, अगर आपकी इनकम बढ़ती है, जैसे आपकी इनकम बढ़ती है तो आपके खर्चे बढ़ते हैं, तो इसका मतलब आप डिमांड ज़्यादा करोगे, ठीक है। तो ये हो गया क्या, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। थर्ड में देखते हैं प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, आपके प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स क्या है। इसमें दो तरह के गुड्स आते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स और सेकेंड है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब इसका क्या मतलब है, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सप्लीमेंट्री या सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो आप एक गुड को यूज करते हैं और वैसा ही सेम पर्पस फुलफिल करने वाला दूसरा गुड होता है। इसका क्या मतलब है, जैसे शुगर है, शुगर का सब्स्टिट्यूट जैगरी है, ठीक है, या इसको आप नॉर्मल भाषा में गुड़ कह लीजिए, ठीक है, शुगर का सब्स्टिट्यूट गुड़, तो ये सब्स्टिट्यूट हो गया। अगर किसी एक प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज आता है, प्राइस बढ़ता है, तो लोग अपनी डिमांड को शिफ्ट कर लेते हैं दूसरे प्रोडक्ट पे। अगर मान लेते हैं शुगर का प्राइस बढ़ गया तो लोग डिमांड करने लगेंगे गुड़, ठीक है, अपनी डिमांड को शिफ्ट कर लेंगे। वैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, अगर किसी एक गुड का प्राइस बढ़ा है तो उसी के अकॉर्डिंग दूसरे गुड की डिमांड पे भी फर्क पड़ता है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसको हम लोग साथ में इस्तेमाल करते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर, मान लेते हैं कि ब्रेड का प्राइस बढ़ गया, ठीक है, अब ब्रेड का प्राइस बढ़ने से उसके साथ कंज्यूम करने वाले प्रोडक्ट की डिमांड पे भी फर्क आएगा, क्योंकि अब आपको एक चीज महंगी मिल रही है और एक चीज आपको नॉर्मल प्राइस मिल रही है, ठीक है। तो ये होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, किसी एक गुड के प्राइस में चेंज आने से आप किसी दूसरे गुड की प्राइस को या डिमांड को चेंज कर देते हो, डिमांड आपकी बढ़ जाती है या कम हो जाती है अकॉर्डिंग टू द प्राइस, ठीक है। फोर्थ, कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन क्या होती है, कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर लेता है, अनुमान लगा लेता है कि फ्यूचर में इस गुड का प्राइस बढ़ने वाला है, इस आइटम का प्राइस, इस कमोडिटी का प्राइस बढ़ने वाला है, तो वो ज़्यादा चीज़ को खरीद लेता है पहले ही, ताकि वो ज़्यादा प्राइस बढ़ने पर चीज़ों को ना खरीदे, ताकि उसके पैसे बचे, ठीक है। इंडियन कंज्यूमर यही सोचता है, क्या सोचता है कि अभी प्राइस कम है, फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़ सकता है, तो हम क्यों ना अभी ही उतनी क्वांटिटी, सफिशियंट क्वांटिटी खरीद लें कि मैं बाद में खरीदने की जरूरत ना पड़े। ये होता है क्या, कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन। इस वजह से डिमांड घटती और बढ़ती है, आपने चीज़ें ज़्यादा खरीद ली, इसका मतलब आप डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं उस समय, फ्यूचर में आप डिमांड कम करेंगे। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट आजकल पूरी लाइफ में आपको देखने को मिलेगा, बच्चे खासकर डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट का शिकार है। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या है, इस इफेक्ट में आप दूसरे की देखा देखी वो चीज़ों को खरीदते हो, जैसे अगर आपके दोस्त के पास आईफोन है तो आप भी आईफोन लोगे, ठीक है। अगर आपके दोस्त के पास कोई भी चीज़ है
उसको देखा देखी आप भी वो चीज खरीदने की जिद करोगे अपने घर में आके अपनी होम पावर से, ठीक है। इसी को कहते हैं डिमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। इससे क्या होता है, किसी कमोडिटी के डिमांड में चेंज आता है। आप किसी चीज को ज्यादा डिमांड करोगे, किसी चीज को कम डिमांड करोगे, क्योंकि आप किसी को देख रहे हो वो चीज कंज्यूम करते हुए, ठीक है। तो ये अभी था हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिमांड शेड्यूल। अब ये डिमांड शेड्यूल क्या है? तो आवर डिमांड शेड्यूल इज वन वे ऑफ शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड शेड्यूल एक ऐसा शेड्यूल है, इसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में टेबल कह सकते हैं। एक ऐसा टेबल है जिसमें आपको रिलेशनशिप बताई जाती है, ठीक है। मतलब चीजें बताई जाती हैं किन दो चीजों के बीच में, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, एक कमोडिटी का प्राइस क्या है और उसकी कितनी क्वांटिटी डिमांड करी जा रही है। अब ये हम अगले सेशन में देखेंगे कि डिमांड शेड्यूल बनता कैसे। फिलहाल डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या होता है ये देखते हैं। डिमांड शेड्यूल इज वन वे ऑफ शोइंग द रिलेशनशिप। डिमांड शेड्यूल रिलेशनशिप दिखाता है किसके बीच की, एक प्राइस ऑफ द कमोडिटी के बीच की, प्राइस ऑफ द कमोडिटी और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच की रिलेशनशिप को शो करता है कि अगर इतनी क्वांटिटी है या इतना प्राइस है तो उसमें कितनी क्वांटिटी डिमांड होगी, ये दिखाता है डिमांड शेड्यूल, ठीक है। अब जैसे डिमांड दो तरह की थी, जैसे डिमांड बहुत तरह की है, लेकिन इनिशियली डिमांड दो तरह की होती है, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। इसके बाद इसके अलग अलग पार्ट्स हैं, वो भी डिस्कस करेंगे बाद में। तो डिमांड शेड्यूल के भी दो पार्ट्स हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल अलग तरीके से बनता है, मार्केट डिमांड शेड्यूल अलग तरीके से बनता है। इसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये कैसा लॉ है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दिस लॉ सेज दैट विद एन इंक्रीज इन द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम, एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी गिव्स लेसर सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। डिमिनिशिंग का मतलब होता है कम होते रहना। आप किसी चीज को जितना ज्यादा कंज्यूम करोगे, किसी चीज की जितनी ज्यादा यूनिट को कंज्यूम आप करने के लिए जाओगे, उतना ज्यादा आपकी इच्छा उस चीज को कम कंज्यूम करने की होने लगी। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ है यूटिलिटी। अब यूटिलिटी का क्या मतलब, यूटिलिटी का ये मतलब होता है कि आप किसी चीज को कंज्यूम करने के बाद जो सेटिस्फैक्शन लेते हैं, जो सेटिस्फैक्शन आपको मिलता है किसी चीज को कंज्यूम करने के बाद, वो होता है क्या, यूटिलिटी। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, मान लेते हैं कि आप घर से बाहर निकले, आपने आइसक्रीम खा ली, ठीक है, ठीक, आपने आइसक्रीम खा ली। अब आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आपने फिर से दूसरे फ्लेवर की, मान लेते हैं सबसे पहले आपने चॉकलेट आइसक्रीम खाई, आप आगे बढ़े, आपको वनीला आइसक्रीम दिख गई, आपको मन कर गया कि अब वनीला ट्राई करते हैं, आपने वनीला आइसक्रीम खाई, ठीक है। आप थोड़ा और आगे बढ़े, अब आपने बटर स्कॉच आइसक्रीम खा ली, आपको बटर स्कॉच वाला फ्लेवर मिल गया। अगर जब आप ऐसी सेम चीजों को कंज्यूम करते जाते हैं तो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल गिरता जाता है। आप चीजों से जितना सेटिस्फाई हो रहे हैं उनको खाने से, उनको कंज्यूम करने से, वो गिरता चला जाता है। इसीलिए एक लॉ है जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो यही बताता है कि आप किसी चीज की जितनी ज्यादा यूनिट्स को कंज्यूम करोगे उतना ज्यादा उसकी सेटिस्फैक्शन लेवल में गिरावट आएगी, मतलब यूटिलिटी में, मार्जिनल यूटिलिटी में गिरावट आएगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इनकम इफेक्ट। अब ये इनकम इफेक्ट क्या, अ चेंज इन डिमांड ऑन अकाउंट ऑफ अ चेंज इन द रियल इनकम रिजल्टिंग फ्रॉम अ चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज नोन एज इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट में, इनकम इफेक्ट बहुत ही सिंपल है। जैसे कि हम कहीं काम करते हैं और हमारी इनकम 5000 है, हम उस 5000 इनकम में अपने सारे खर्चे करते थे और सारी चीजों कंज्यूम करते थे जो जो हमें चाहिए होती थी, लेकिन अब क्या हुआ, हमारे इनकम में, रियल इनकम है जो एक कंज्यूमर की इनकम होती है, वो जहाँ भी काम करता है उसको जो इनकम मिलती है, तो उसमें डिक्रीज आ गया, डाउनफॉल आ गया, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे बॉस ने हमारी सैलरी डिडक्ट कर ली, मान लेते हमने छुट्टियाँ करी थी तो हमारे बॉस ने सैलरी डिडक्ट कर ली, 5000 की जगह 4500 हमें सैलरी मिली, 500 काट ली गए, ठीक है। तो अब ऐसा करने से क्या हुआ, हम जो चीज़ों को खरीदते थे अब उन चीज़ों को नहीं खरीद पाएंगे, हमारी इनकम कम होने की वजह से अब हम डिमांड को कम कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि जितनी इनकम है उसी में हमारा घर चलाना है, उसी में हमारी सारी यूटिलिटीज पूरी होंगी, हमें जो चीज़ें चाहिए, जो चीज़ें कंज्यूम करनी है वो 4500 में ही करनी पड़ेगी, क्योंकि अब जो 500 रुपीज़ हैं वो डिडक्ट कर लिए गए क्योंकि आपने छुट्टियाँ करी,
इनकम इफेक्ट ये कहता है, चेंज इन द डिमांड ऑफ चेंज इन द डिमांड ऑन अकाउंट ऑफ अ चेंज इन व्हाट इन रियल इनकम, एक चेंज ऑन अकाउंट ऑफ अ चेंज इन रियल इनकम, रियल इनकम के चेंज होने से रिजल्टिंग फ्रॉम अ चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और कमोडिटी के प्राइस में चेंज आने से इज नोन एज इनकम इफेक्ट। मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है घुमा के, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि आपकी जितनी इनकम है आप उसी हिसाब से चीज़ों को खरीदते हो। आ चेंज इन डिमांड, डिमांड में चेंज आना ऑन अकाउंट ऑफ अ चेंज इन रियल इनकम, रियल इनकम में चेंज आने से फ्रॉम अ चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी नोन एज द इनकम इफेक्ट। ठीक, तो आप उस चीज़ को कम या ज़्यादा कंज्यूम करने लगते हो, उसकी डिमांड कम या ज़्यादा कर देते हो। तो ये कुछ टॉपिक आज के हमने देखे थे। बाकी नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, मल्टीपल टॉपिक्स आज भी थे, मल्टीपल टॉपिक्स फिर से कवर करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।